Good morning everyone, very good morning, and once again welcome to YouTube channel BPSC and Academy BPSC. एक बार फिर से सभी का स्वागत है Academy के इस YouTube channel पे and Academy BPSC पे and अपने इस session में जिसका नाम है Daily Current Affairs News and Detail Analysis. I hope कि मैं live हूँ और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे. हम लोग तुरंत session की शुरुआत करते हैं Daily Current Affairs Analysis और Explanation Series की. मैं हर इस दिन ये वाली सेशन में हर दिन 9 AM में लेकर के आता हूँ सुबह के, और 9 AM हो चुके हैं. तो इससे पहले मैं सेशन की शुरुआत करूँ, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं और फटाफट से शेयर कर देना है जितने लोगों को आप जोड़ना चाहते हो इस क्लास. ओके, करंट अफेयर्स और लाइफ वाली क्लास मैं हर दिन आपके लिए 9 AM में लेकर के आता. अभी 5 लोग दिख रहे हैं मुझे लाइव, और जल्दी जल्दी सभी को ज्वाइन करने दें. स्टूडेंट तुरंत क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ. मैं एसके चौधरी, आप में से अधिकांश लोग मेरे प्रेजेंस से परिचित हो. अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ, आपसे इंटरेक्ट करता हूँ. जनरल स्टडी के विषयों पर बेहतर कॉन्टेंट हिंदी लैंग्वेज में कैसे पहुंचे उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ. अगर आप अनअकैडमी के ऐप्स को इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप फ्री एक्सेस पा सकते हैं. बिहार SI प्रीलिम्स टेस्ट दे सकते हो, NCERT बेस्ट टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं. ये सारी सुविधाएं आपको मिल पाएंगी इधर. एंड BPSC करेंट अफेयर्स मॉक टेस्ट 20 मिनट में 20 क्वेश्चन से भी जुड़ सकते हैं. MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 PM में. और गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट असमेंट, ये वाली टेस्ट अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप हर दिन 11 बजे दे सकते हैं और हर दिन अलग अलग विषयों पर. थर्सडे है तो आज का जो विषय होगा वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, वो भी अच्छे वाले सवाल लेवल वाले. तो प्रयास करें सेशंस में जुड़ने का. प्लस पे अनअकैडमी से जुड़ के आप ये सारे फीचर्स प्राप्त कर सकते हैं. एंड बैच कोर्सेज जो नई बैचेज अनअकैडमी पे अनाउंस हुए हैं उनमें से एक है विजर BPSC की बैच, 11th August से स्टार्ट हुई है. दूसरी अचीवर बैच है, 12th August से स्टार्ट हुई. इन बैचेज में आप इनरोल हो सकते हो. मिशन खाकी बिहार SI की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए MCQ सीरीज है पूरे 1 महीने की. इसमें ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. एंड 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड टू बिहार और BPSC, बिहार और BPSC से जुड़े हुए सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनअकैडमी पे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आप जुड़ सकते हैं. और वो 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स तक का प्लान है. कोई सा भी प्लान एक्सेस करोगे हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अनअकैडमी पे जब भी आप कोई कोर्स परचेज करना चाह रहे होंगे, या फिर आप जब अनअकैडमी पर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर आपसे एक अनलॉक्ड कोड मांगा जाएगा. और वो कोड क्या है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं. वो कोड है SKC10 SKC10. ये वाली कोड वहाँ पे आप एज ए रेफरल कोड प्रयोग कर सकते हो, एज ए अनलॉक कोड. इसके इनिशियल बेनिफिट आपको ये होने कि टोटल जो टोटल फी आपकी दिख रही है वाली, ये 10% से रिड्यूस कर जाएगी, 10% से फी कम हो जाएगी. और फी कम होकर के आपको ऐसा कुछ दिखेगा जो इधर हमने दूसरे चार्ट में. ओके, और अभी ऑफर भी चल रहा है अकेडमी पे 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे. 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्टूडेंट 2 मंथ्स एक्स्ट्रा एंड 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा. इस ऑफर का भी आप लाभ उठा सकते हैं. और करंट अफेयर्स के सेशन में वंस अगेन सभी का बहुत बहुत स्वागत है. जल्दी से सभी लोग आ जाएं. मैं सेशन की शुरुआत कर देता हूँ. बहुत सभी लोग अभी तक जुड़ पा रहे हैं, कोई नहीं. चलिए सेशन की शुरुआत करता हूँ. ये रहा पहला सवाल आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन का. और पहला सवाल है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया के द्वारा किसे, किस कुश्ती को, रेसलर्स को निलंबित कर दिया गया, उसे इनडिसिप्लिन के मामले में सस्पेंड कर दिए जाने की घोषणा की गई, उसे सस्पेंड किया गया है. गीता फोगाट, सुशील कुमार, विनेश फोगाट या फिर दुती चंद. जल्दी से आंसर करें इसका. गुड मॉर्निंग पवन, बहुत बहुत स्वागत है.
स्टूडेंट अगर आप जुड़ रहे हो तो प्रयास करो प्रश्नों का उत्तर करने का, अदरवाइज मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा पूरे विश्लेषण के साथ। गुलशन कह रहे बी इज करेक्ट आंसर, ओके। बिट्टू कह रहे हैं गुड मॉर्निंग बिट्टू, चंद्रदेव बहुत बहुत स्वागत है। राइट आंसर इज ऑब्वियसली वेरी गुड, सही उत्तर है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। हाँ, प्रश्न संख्या वन की एक्सप्लेनेशन ये रही स्टूडेंट, आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और आप डिटेल एनालिसिस चाहेंगे ना प्रश्नों का, थोड़ा सा तो नहीं, तो इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ और बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर इज ऑब्वियसली विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को स्टूडेंट सस्पेंड कर दिया गया है और अभी ये टोक्यो से वापस इंडिया भी नहीं आए हैं। आपने विनेश फोगाट के बारे में देखा होगा कि ये रेसलिंग के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में कि बाहर हो गए थे, क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, क्वार्टर फाइनल में पराजित होकर के बाहर हो गए थे। और इन्हें अभी अनुशासनहीनता के मामले में विनेश फोगाट को निलंबित कर दिया गया है। ये वाली क्लास हर दिन 9 AM में मैं लेकर के आता हूँ, हर दिन 20 questions विथ डिटेल एनालिसिस, 20 प्रश्न पूरे विश्लेषण के साथ। हाँ, और 20 प्रश्न आप देखोगे तो इसके बाहर करंट अफेयर्स में बहुत कमी चीजें बच जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, केरला, पंजाब, दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर ई। किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? और आप अगर चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को, उन्हें भी लाइव सेशन से जोड़ सकते हैं। मैं पहली बार इस चैनल से मैं सेशन आपके लिए ले रहा हूँ, आई थिंक ये तीसरा या चौथा मेरा क्लास है। आपकी ग्रेट कोऑपरेशन की आवश्यकता हमें, और मैं ये वाली क्लास हर दिन सुबह 9 बजे लेकर के आऊँगा। 20 प्रश्न और उसके बाद करंट अफेयर्स होंगे ही नहीं, डेली बेसिस पे। बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर इज ऑब्वियसली दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा और इसे समझने का प्रयास करो। हाँ, इसे समझने का प्रयास करो फ्रेंड, दिल्ली सरकार के द्वारा। और जब हम कहते हैं दिल्ली सरकार, तो दिल्ली सरकार के ऑब्वियसली जो मुखिया हैं, हेड हैं, अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई एक अनाउंसमेंट की, एक नई एक इनिशिएटिव लिया है। वो क्या है? फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये क्या होता है फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज? फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का मतलब होता है कि अब दिल्ली में परिवहन से जुड़ी हुई 33 सेवाएं सेवाएं ऑनलाइन घर बैठे एक्सेस की जा सकती, ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये कौन सी सेवाएं होंगी जो परिवहन से जुड़ी हुई है। स्टूडेंट, इसमें सभी सेवाएं हैं। इसमें आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है, लाइसेंस से जुड़ी हुई सेवाएं हैं। इसमें अगर आपको कहीं चालान भरना है, अगर आप पे कोई पेनल्टी लगी, कोई चालान जमा करना है, तो उससे आप कर सकते हो। आप इसमें अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं घर बैठे। इस तरह की 33 सर्विसेज इसमें है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, 33 सर्विसेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन दिस इनिशिएटिव जिसका नाम है फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। किसने स्टार्ट किया? दिल्ली सरकार ने। मुखिया कौन है उसके? तो अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने, और थोड़े ढंग के सवाल हैं तो इसे आप, हो सकता है नहीं बनेगा, और नहीं बने तो भागने का प्रयास नहीं करना। मैंने अब तक का अनुभव किया कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें अगर प्रश्न नहीं बनना तो उन्हें लगता है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। पढ़ना यही है, डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ है और इसे अच्छे से आप देखना शुरू करोगे। हर दिन लेकर के आता हूँ सुबह मैंडल, सभी लोग ख्याल रखें डेली बेसिस पे। अभी जो करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहा हूँ वो कल तक के न्यूज़ पे आधारित है और मैक्सिमम कल ही के सवाल है। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक, 30 तक, 60 तक, 70 तक या फिर ऑप्शन नंबर ई। बाय विच ईयर हैज चाइना से टारगेट टू बिकमिंग द कार्बन न्यूट्रल कंट्री? चाइना किस वर्ष तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना? ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, बट डिटेल एनालिसिस है। राइट आंसर इज ऑब्वियसली सी इज करेक्ट आंसर,
वर्ष 2060 तक, वर्ष 2060 तक चाइना ने इसकी घोषणा किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनेगा। हाँ, तीन चार शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, सबका मतलब समझिएगा। कुछ शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा, इसका मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक जगह लिखता हूं कार्बन, कार्बन और उससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट है जिसे मैं डिस्कस करता हूं, इसे सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। चार वर्ड में लिखता हूं। एक है कार्बन इमिशन, कार्बन ई मिशन, हिंदी में बोले तो कार्बन उत्सर्जन। किससे होता है कार्बन उत्सर्जन? जीवाश्मों के दहन से ना स्टूडेंट, जीवाश्म में अगर फॉसिल्स का प्रयोग करोगे, जीवाश्मों के दहन से होता है ना, अगर हम लोग पेट्रोल डीजल या लकड़ियों का प्रयोग करें तो उससे जीवाश्म है वो, और उससे क्या होता है कि कार्बन इमिशन होती है, कार्बन उससे निकलता है। दूसरा वर्ड है कार्बन सिंक, कार्बन फुटप्रिंट। हाँ, कार्बन फुटप्रिंट, इस शब्द को ध्यान, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं जी? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है वह गतिविधि, वह एक्टिविटी या स्थान, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, हाँ, जो कार्बन के उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार है। कार्बन के उत्सर्जन के लिए, कार्बन का उत्सर्जन करता है, बस ये समझ लो। जो कार्बन का उत्सर्जन करेगा वो सब क्या कहलाएगा? फुटप्रिंट कहलाएगा। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे उद्योग हो जाएंगे ना, इंडस्ट्रीज हो जाएगा, मोटर व्हीकल्स हो जाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट। अगला शब्द है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है जी? कार्बन सिंक स्टूडेंट, कार्बन सिंक का मतलब होता है, कार्बन सिंक का मतलब होता है कि जो कार्बन का कार्बन को अवशोषित करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले। कार्बन को कौन ऑब्जर्व करता है फ्रेंड? कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं पेड़ पौधे ना, पेड़ पौधे। और इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, फॉरेस्ट का, वन का, विशेष करके जो कार्बन सिंक है उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। और अगला वर्ड है कार्बन न्यूट्रल। अभी पूरी दुनिया ये वाली वर्ड खूब दोहरा रही है, हालांकि अपना बहुत कम रही है। कार्बन न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना, कार्बन की उत्सर्जन में कमी लाना या कटौती करना। ठीक है, कैसे कार्बन की मात्रा में कमी लाई जा सकती है? इसके उपभोग की मात्रा में स्टूडेंट, इसके उपभोग की मात्रा में इसकी न्यूट्रल करने के लिए इसका स्थान पे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। क्या क्या हो सकता है इसमें? सौर ऊर्जा का प्रयोग हो सकता है, नहीं, सोलर एनर्जी का प्रयोग हो सकता है, इसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं, पेन और पेपर पास में रखोगे? हाँ, पेन पेपर बिल्कुल पास रखिए, 20 प्रश्न और ढंग के सवाल, आप उसे नोट करते चल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चल सकते। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करो, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करें और कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाइए। ओके, और कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा किस देश ने किया रिसेंटली? कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है जी? कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने की घोषणा की गई है किसके द्वारा? स्पष्ट तौर पे याद रखोगे, चीन ने किया है कि वर्ष 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगा। और इधर मैं आता हूं बैक स्लाइड पे, ये वाली स्लाइड आपको दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। हाँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके सर, क्या आप टाइमिंग में थोड़ा चेंज कर सकते? बिट्टू फिलहाल तो नहीं, आगे मैं देखता हूँ। हाँ, और प्रश्न था कि चीन ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की, तो स्टूडेंट राइट आंसर शुड बी ऑब्वियसली चीन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। और इसी तर्ज पे आपको एक सवाल और पूछा जाएगा कि जापान कब तक बन जाएगा? जापान ने भी घोषणा किया, जापान ने कहा कि वर्ष 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएंगे।
भारत ने भी कब तक कहा है इंडिया ने? भारत तो भारत अभी इसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे वर्ष 2030 तक, 2030 तक। हाँ, तो जापान 2050, ब्रिटेन 2030 और चाइना 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो सकते हैं, बन जाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्या आप इतनी डिटेल एनालिसिस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं क्योंकि हमारी एफर्ट्स है, तो मुझे लगता है इसे अप्रिशिएट करो आप। हाँ, अदरवाइज मैं भी वही करूंगा, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी। हाँ, तो इंडिया ने भी इसके लिए शुरुआत किया है। वर्ष 2030 तक भारत को अभी सोलर एनर्जी पे ज्यादा उसकी प्रोडक्शन करनी है, और अभी इंडिया इस संदर्भ में कोई काम नहीं कर रहा, मतलब स्टार्टिंग हुई लेकिन हमने कोई बेंचमार्क नहीं तय किया है कि कब तक हमें करना है। हाँ, तो ये चीजें स्पष्ट रहेंगी यहाँ तक। अगला सवाल है, इसे देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में बनाए जा रहे समुद्री राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, या फिर ऑप्शन नंबर ई। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होगा, द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में निर्मित हो रहा है, ये किस राज्य में बन रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद परिसर, इसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है? फटाफट से आंसर करेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल एनालिसिस कराऊंगा। गुड मॉर्निंग रितेश, बहुत बहुत स्वागत है, डटे रहें और जमे रहें अंत तक। हाँ, बहुत अच्छा, गुड डे, एक कमेंट में सही दिख रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर शुड बी ऑब्वियसली गुजरात इज करेक्ट। स्टूडेंट, गुजरात में एस्टैब्लिश हो रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पे डेवलप एस्टैब्लिश होगा? तो गुजरात में। इसके संदर्भ में और क्या जानकारी होंगे? इसके संदर्भ में और जानकारी आपको ये रखनी चाहिए, मैं 3-4 शब्दों का प्रयोग करूंगा और आपको इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करवा देता हूँ, पूरी जानकारी दे देता हूँ, ध्यान से समझो। नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, यही नाम है ना इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो, परिसर इंग्लिश में बोले तो नेशनल मैरीटाइम, नेशनल मैरीटाइम मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। सवाल एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे कि कहाँ पे है ये, कहाँ स्टेब्लिश किया जाएगा, तो स्टूडेंट ये गुजरात में स्थापित होगा। और गुजरात में कहाँ पे? तो गुजरात में जो भारत का हिस्टोरिकल प्लेस है लोथल, हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा समुद्री व्यापार का मुख्य स्थान लोथल में स्थापित होना है। और दूसरी विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये 444 एकड़ में स्थापित होगा गुजरात में, और इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्पॉन्सर। पीपीएससी के टारगेटिंग करेंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस रहते हैं? पीपीएससी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न जो बीपीएससी में होता है, लास्ट टाइम 66th बीपीएससी में करंट अफेयर्स से सवाल रहे थे 21, टोटल 21 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। और आप ये मान करके चलो कि 67वीं बीपीएससी में भी इट्स अराउंड 20 के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप एज्यूम कीजिए 30+ क्वेश्चंस को, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे कुछ बजट वगैरह की डेटा और बाकी चीज़ें अगर आप मिला दें तो 30 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आउट ऑफ 150 में 30% लगभग करंट अफेयर्स के होते हैं। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसको छोड़ करके आप अगर रिजल्ट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और आप मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, इसके बिना रिजल्ट ही नहीं हो सकता आफ्टर ऑल, ये समझो। बिना करंट अफेयर्स का बीपीएससी का पीटी किसी भी कीमत में नहीं निकल सकता, तो अच्छी पकड़ बनाइए इसमें। और अगर करंट अफेयर्स आप बेहतर कर लेते हैं तो जीएस में एक अच्छी पकड़ होती है, आपके काफी ढंग के रेंज हो जाते हैं। प्लस वाले की वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? 15वें नंबर पे, 70वें नंबर पे, 120वें, 122वें, या फिर ऑप्शन नंबर। एक इंडेक्स जारी हुआ है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इंडिया का रैंक क्या होगा इसमें?
स्टूडेंट नोट डाउन करते चलोगे आप, पेन पेपर बिल्कुल पास में रखिए, और हर दिन ये वाली क्लास में सुबह 9 AM में लेकर के आऊँगा। उसके लिए आवश्यक है आप कंटिन्यू रहेंगे सेशन में, तभी इसके फायदे हो पाएंगे, नहीं तो नुकसान में पड़ जाएंगे और हमारी एफर्ट जो है वो बेकार हो जाएगी। जल्दी से उत्तर करें, भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडियाज रैंक इज भारत का स्थान क्या है? लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि रुका हुआ है फिलहाल, तो मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहा आपको, लेकिन प्रयास करो कि मैक्सिमम जगह से शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए लाइव सेशन। ओके, इस प्रश्न के बारे में विस्तार से समझोगे, मैं इधर आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल विस्तार से समझिएगा। रिपोर्ट का नाम क्या है? यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, हाँ रिपोर्ट का नाम है यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, इसकी किसने से प्रकाशित किया है तो लिख लो ऐसे करके, प्रकाशित पब्लिश्ड बाय राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन, राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा प्रकाशित है ये, क्योंकि तो ब्रिटेन में पड़ता ऑब्वियसली। कुल 181 देश शामिल है इसमें, इसमें शामिल है, और भारत का स्थान क्या है जो आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, यहाँ पे मैंने भी पूछा, भारत का स्थान ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो कि राष्ट्रमंडल सचिवालय ने जारी किया है, इसमें इंडियाज रैंक इज 122, भारत 122वें नंबर पे है, और टॉप 3 में कौन कौन से देश हैं तो उसे भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ नोट कर लें। फर्स्ट रैंक में पहले स्थान पे है सिंगापुर, सिंगापुर, दूसरा है स्लोवेनिया, सेकेंड रैंक है, मैं हिंदी लिख देता हूँ ज़्यादा स्पष्ट होगा, स्लोवेनिया, के दूसरे नंबर पे स्लोवेनिया, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे नॉर्वे, थर्ड नंबर पे लिख लीजिएगा नॉर्वे। ये टोटल टॉप 3 में जो देश है सिंगापुर, स्लोवेनिया और नॉर्वे, टॉप 3 में इधर है, भारत का स्थान है इंडियाज रैंक इज 122। और मैदान खाली किया जा रहा है, आप देखो कि लोग आ रहे हैं फिर वो निकल जा रहे हैं, उन्हें ये पढ़ना ही नहीं था, उन्हें इजी सवाल करने थे जो मैं कराता नहीं, उन्हें करने थे कि मैं अभी 50 प्रश्न कराता वो 49 बना करके खुश हो जाते, तो मैं ऐसा काम ने आज तक हमने नहीं किया है, मैं आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं दे सकता। ये वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के, और हमें नंबर से बहुत फर्क नहीं पड़ता, 8 स्टूडेंट हो या 8000 स्टूडेंट हो, हमारी एफर्ट हमारे कंटेंट सेम ही होंगे, बदलेंगे यहाँ से, चीज़ें स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसे पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है कि 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, शिक्षा दिवस, युवा दिवस, योग दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर 12 अगस्त को इंटरनेशनल स्टूडेंट एजुकेशन, यूथ, योगा, या फिर कौन सा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी से उत्तर करो, 12 अगस्त को हर वर्ष कौन सा दिवस, कौन से डे ऑब्जर्व किए जाते हैं? और एक क्लू है आपके पास, हाँ उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बिट्टू शर्मा आप कह रहे हो कि इंडिया में यूथ के पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ के पॉपुलेशन ज्यादा है, बट राष्ट्रमंडल सचिवालय को, सेक्रेटेरिएट को लगता है कि भारत में युवाओं की जो विकास है ना उसमें कमी है, और एक संस्था की रिपोर्ट है, एक संगठन की रिपोर्ट है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं, मतलब इसे हम
रियलिटी से जोड़ करके देख भी नहीं सकते, देखना बेवकूफ़ी रहेगा कहीं ना कहीं। और ये नंबर ऑफ यूथ पे नहीं आधारित है कि कितने युवा हैं भारत में, उसके आधार पे रिपोर्ट नहीं आया है। एक ये क्या है बेसिकली, ये रिपोर्ट है कि संबंधित देशों में युवाओं की डेवलपमेंट क्या है, उनकी जो डेवलपमेंट है एजुकेशन हेल्थ बाकी चीज़ों को लेकर के वो किस प्रकार से है। ओके तो आपने चलो जो भी उत्तर किया हो एंड गुड है। पायल करी 12th का सी होगा, तो सी होगा चलो मान लेते हैं। राइट आंसर शुड बी ऑब्वियसली सी इज करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ऑब्जर्व किए जाते हैं 12 अगस्त को पूरी दुनिया भर में। हाँ, और ये युवाओं को समर्पित है, ऑब्वियसली ये युवाओं को समर्पित है। और युवाओं को समर्पित है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया में जो युवा शक्ति, युवा का मतलब होता है बदलाव करने वाली जो शक्ति है, उस उसके संदर्भ में ये चीज़ें हैं। हाँ, जो बदलाव कर सकती है दुनिया में, बदलाव कौन कर सकता है, युवा कर सकते हैं। और भारत के संदर्भ में अगर एक आंकड़ा की बात करें, एक डेटा की बात करें, तो आंकड़ा होगा। और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप लिख भी सकते हैं, विस्तार से जानकारी में रखेंगे कि नेशनल सॉरी इंटरनेशनल यूथ डे की जो शुरुआत हुई है, इंटरनेशनल यूथ डे, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ अदरवाइज दिखेंगे नहीं आपको। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, ये हर वर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को, 12th ऑफ अगस्त को आज भी है। और आप सबको शुभकामनाएं, शुभकामनाएं मुझे भी, क्योंकि मैं भी युवा, आप भी युवा, और हर वो व्यक्ति युवा है जो बदलाव को स्वीकार करता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। और युवा का मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई उम्र से, वो जुनून जज्बे और नई चीज़ों को स्वीकार करना, बदलाव से जुड़ना, इनोवेशन को अपनाना, वो युवा का मतलब होता है। ये 12 अगस्त को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। मेरे सवाल होगा, पूछा जाता है साधारणतः कि ये कब से मनाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में जानकारी रखेंगे आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, उनका कहते हैं शॉर्ट में, उनका द्वारा इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा 2014 में की गई, 2014 में किया गया है। और तब से लेकर के हर वर्ष, 2014 से लेकर के हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किए जाते हैं 12 अगस्त को। और ये जान करके आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। भारत की 63% आबादी, इट्स अराउंड 65% पॉपुलेशन यूथ है, युवाओं की है। और इस मामले में हम लोग एकदम पोटेंशियल लेवल पे हैं, और जरूरत है केवल युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की। जैसे जैसे युवाओं में स्किल डेवलपमेंट होगा, चीज़ें और भी बेहतर होती जाएंगी। और अगर यहाँ पे रहेगा नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 12 जनवरी को किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे तो 12 अगस्त को, दो अलग अलग जानकारी। सबसे ज्यादा युवा बिहार में, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन है, बिट्टू कह रहे क्वेश्चन है, इतना पूछना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन डाल दो, सीधा प्रश्न पूछिए, आपको पूरा हक है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किसके सहयोग से नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5th संस्करण का आयोजन किया है, कौन उसमें मदद कर रही है? भारतीय नीति परिषद, इंग्लिश वाला ज्यादा समझ में आएगा, IPC, इंडियन पॉलिसी कॉन्फेडरेशन, इंडियन कॉन्फेडरेशन साइंस, इंडियन वुमेन्स कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से करो। आशीष कह रहे हैं कि 7 का डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, बाकी लोग भी बताएं जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। चलिए सही उत्तर पे आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो सही उत्तर काफी होगा, इसकी पूरी विश्लेषण को देखते हैं। डी इज करेक्ट आंसर, और इसके बारे में जानकारी रखेंगे। हाँ स्टूडेंट जी, आप में से गवर्नमेंट सर्विस में अगर कोई हो, या फिर आपके पेरेंट्स अगर होंगे, तो उनसे आप पूछना कि आपके यहाँ अगर एक बेंच, एक टेबल, एक पेन भी अगर खरीदना होता है, कैसे खरीदते हो? वो आपको बता देंगे कि कोई भी वस्तु अगर खरीदना है तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, हाँ, वहां से खरीदना पड़ता है। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, मतलब एक वेबसाइट है जहां पे आप गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है वो अपनी डिटेल्स डाल देती है कि हमें इतनी चीजें चाहिए, हमें 10 बेंच चाहिए, हमें 50 कंप्यूटर चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो वहां डिटेल डाल देंगे। कोई भी इंडिविजुअल कंपनी उसमें बिडिंग करती है कि हम उपलब्ध करवा देंगे इस कीमत पे। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा की। मैं थोड़ा इसका पूरा नाम देख लेता हूँ, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव। हाँ, इसका आयोजन करने की घोषणा किया है नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव, एग्जैक्टली हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव स्टूडेंट, ये इसकी फिफ्थ एडिशन होगी, पांचवा संस्करण होगा, पांचवा संस्करण होना है। और ये पांचवें संस्करण का आयोजन किसके मदद से होगा? CII के मदद से होगा। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हाँ इंडियन इंडस्ट्री हिंदी में से कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, उसके मदद से इसका आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। और बिट्टू शर्मा का कमेंट में पढ़ रहा था, तो ये तो मैं इनके कमेंट से मैं क्या पता चला, मैं बताओ जरा। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। देखो, इसमें हमारी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन एक एस्पिरेंट होने के नाते, एक मतलब एक जागरूक इंसान होने के नाते, इस बात से असहमति नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति की कि छोटी जनसंख्या इन सेंस की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वर्तमान समय में देश की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए था, जनरेट होना चाहिए था, नहीं हो पा रहे, इस तरह के ढेर सारे इश्यूज हैं। तो उस पर सरकार ने अपना एक डिसीजन लिया है, और उसमें तो राज्य विशेष का डिसीजन है, तो उस पर हमारी हाँ और ना बहुत महत्व नहीं रखती, हमारी अपनी विचार हो सकता है जिसे हम रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOOP को के बारे में कुछ कथन बताइए, जो अभी पॉलिसी डिक्लेयर की गई। इसमें बताना है कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य घरेलू तिलहन का उत्पादन करना है, घरेलू मतलब डोमेस्टिक ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करना है, और भारत को खाना पकाने के तेल कुकिंग ऑयल्स में आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा उद्देश्य कि भारत खाद्य तेल का निर्यात करता है, इन दोनों में से कौन सी बातें सही हैं? केवल एक पहला वाला सेंटेंस सही है, दूसरा सही है, ये दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर मोर देन वन, इसमें क्या सही है? जल्दी से इसका उत्तर। चलिए, तो आपके कमेंट्स तो अंदर में मैं आपको एग्जैक्टली इस प्रश्न के उत्तर पे लेकर के आता हूँ। स्टूडेंट, इसमें से ना केवल एक सही होगा, पहला लाइन सही है, यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है कि भारत खाद्य तेल का निर्यात करता है, इंडिया एक्सपोर्ट एडिबल ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल, तो ये वाली चीज़ें ना टोटली गलत है। भारत खाद्य तेलों का निर्यात एक जरा सा भी नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, इसका आयात करता है। हाँ, आयात करता है, इम्पोर्ट करता है। और इसके बारे में नहीं, जो आप एक पॉइंट इसके संदर्भ में जो आप नोट कर सकते हैं जानकारी के लिए, वो चीज़ें क्या होंगे कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पॉलिसी की घोषणा की है पाम ऑयल का, पाम ऑयल जो कि सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है विदेशों से, पाम ऑयल के इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की है। 11,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी ताकि भारत में
जो कुकिंग ऑयल्स हैं जिसे हम विदेश से ज़्यादा खरीद रहे हैं, उस कुकिंग एडिबल ऑयल को, कुकिंग ऑयल्स को, खाद्य तेल को क्या किया जाए, भारत खुद ही उत्पादन कर सके और इसके कंजम्पशन, इसके डिमांड के मामले में हम आत्मनिर्भर हों, ये पूरा का पूरा मामला है इसका। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कमोडोर कासरगोड पटना सिटी गोपाल राव, ये नाम है व्यक्ति का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, कौन से युद्ध में वो शामिल हुए थे। ऑप्शन है भारत पाक युद्ध 1971 में, कारगिल युद्ध 1999 ऑब्वियसली, या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत चीन युद्ध 1962, या फिर ऑप्शन हाल ही में दो लास्ट का नाम भी अगर आप पढ़ ले तो काफी है। गोपाल राव का निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में, ये कौन सी लड़ाई में भाग लिए थे, ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से मैं आपके कमेंट्स के इंतजार कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, आप अगर पहली बार इस सवाल को पढ़ रहे तो आपके उत्तर नहीं भी आएंगे, मैं इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप नोट करते चले। अर्चना कह रही है ये होगा, इसी के बारे में आप कह रहे हो क्या? ओके, आप बिल्कुल कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, एक जरा सा भी कमेंट्स नहीं है। मैं यही समझ रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप पहली बार इस प्रश्न को, इस न्यूज को पढ़ रहे, इसलिए नहीं आ रहा है। स्टूडेंट, राइट आंसर इज ऑब्वियसली ए इज करेक्ट आंसर, भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध 1971 में गोपाल राव, जो कि भारतीय नौसेना के बड़े अधिकारी थे और सबमरीन जो होता है पनडुब्बी, उसे वो चला रहे थे, उसे वो कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने उनकी हाल ही में निधन हुआ है 94 वर्ष की उम्र में, और वो किसमें भाग लिए थे, वो 1971 की लड़ाई में भाग लिए थे, जिसे कहते हैं 1971 की लड़ाई को ही कहा जाता है मुक्ति संग्राम। हाँ, उन्हें क्या बोलते हैं जी, मुक्ति संग्राम कहते हैं, उस मुक्ति संग्राम में वो पार्टिसिपेट किए थे। और अलग से आप जानकारी रखेंगे कि गोपाल राव को परमवीर पुरस्कार भी दिया गया था, परमवीर पुरस्कार भी इन्हें, सॉरी महावीर चक्र, सॉरी परमवीर नहीं, महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था, महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी भी संदर्भ में आपने रखनी है। अगला सवाल होगा, इसे देखिए, संविधान में भी 107वां 27वां संशोधन विधेयक 2021 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला कि जो अभी संविधान में 127वां विधेयक जो आया है संशोधन के लिए, ये विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रस्ताव है, यह अनुच्छेद 324(1) के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इट विल अमेंड आर्टिकल 324 क्लाउज 1 एंड 2। या क्या सही उत्तर इस संदर्भ में, ये बताना। दोनों सेंटेंस सही है, पहला दूसरा तीसरा दोनों सही है, या फिर नॉन ऑफ दिस मोर देन वन क्या होगा। गुलशन कह रहे सी होगा, पिट्टू कह रहे ए होगा। ओके, बाकी लोग भी प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी से। अभी आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा ही दुखद न्यूज़ था पूरे भारत के लिए, कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस प्रतिनिधि को हम सबने चुना है वो सदन में हंगामे कर रहे हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन जब ऐसे न्यूज़ हम सब पढ़ते हैं कि सदन में, पार्लियामेंट में 100% में से केवल वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे थे एक न्यूज़ चैनल को, ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा इस बार केवल 27% कार्य हो पाए हैं। तो समझ लो 27% कार्य होना मतलब 72%, 73% कार्य जो था वो पेंडिंग में रह गया। तो मतलब ये बड़ा ही दुखद न्यूज है, हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि जो 70% लगभग जो मामले नहीं, जो जिसपे कानून नहीं बन पाए, जिसपे चीजें नहीं हो पाई, वो किसके मामले थे, वो जनता के मामले थे, हमारे मामले थे, आपके मामले थे। तो सदन में जो हंगामे हुए वो, उसकी वजह क्या थी, वो सही था गलत था वो हम लोग जज नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और ओबीसी वाली बिल आपने देखा होगा, ओबीसी वाली बिल जो थी ये बिना किसी भी इस पे विरोध के ये बिल फटाफट से पारित हुई, और इस बिल पे कोई हंगामा नहीं हुआ, मतलब इस सदन में इस बार का जो सबसे महत्वपूर्ण बिल था वो यही रहा है, और ये बिल शांतिपूर्वक ढंग से पास हुआ, कोई हल्ला हंगामा नहीं और कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, तो ड्यूटी कोविड के ड्यूटी नहीं हुआ था भाई, हंगामा कोविड के कारण नहीं हुए थे, वो होता है ना राजनीति पॉलिटिक्स, तो उसी संदर्भ में ये हुए थे। और राइट आंसर शुड बी ऑब्वियसली ये इज करेक्ट। दूसरा जो है ये, इसे थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा, आर्टिकल 324 नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आप नोट कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट होनी है, वो है प्रपोज्ड है अमेंडमेंट, वो है आर्टिकल 366 का क्लाउज नंबर 26 का सी, और दूसरा है, दो आर्टिकल है 338 बी लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में 9, ये दो आर्टिकल है, दो क्लाउज है जहाँ पे अमेंडमेंट की अमेंडमेंट होंगे। और साथ ही साथ राज्यों को ये अधिकार मिल गया है कि वो अब ओबीसी की लिस्ट बना सकते हैं, ओबीसी की लिस्ट, और ओबीसी की लिस्ट बनाना मतलब राज्य सरकारें अब ये तय कर सकती हैं अपने स्तर पे कि कौन सी जातियां किस ओबीसी लिस्ट में रहेंगी नहीं रहेंगी, ये चीजें वहां पे तय करेंगी। और हम सब बिल्कुल तैयार हैं एक नए आंदोलन के लिए देश में, और वो आंदोलन कौन सी होगी, हमें ओबीसी में शामिल करो शामिल करो। हाँ, ऐसे मूवमेंट्स अब आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अब एकदम आम बात हो जाएगी क्योंकि हर वर्ग चाहेगा कि हमें इसका लाभ मिले। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न होगा, इसे देखिए प्लस वाले। और उससे पहले एक विशेष जानकारी, स्टूडेंट आप में से मैक्सिमम लोग मेरे अनअकैडमी के क्लास में भी रहते हैं, तो जो लोग अनअकैडमी पे मेरे क्लास को नहीं करते हो, अगर आपने लर्निंग ऐप को अब तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो प्रयास करो, SKC101 रेफरल कोड का प्रयोग कीजिएगा वहाँ पे अनलॉक कोड के तौर पे, और लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। मेरे वहाँ पे चार चार सेशंस आ रहे हैं एक दिन में, वहाँ पे मैं सुबह से लेकर के शाम तक चार स्पेशल क्लास लेता हूँ, और ये चार के चार ऑब्वियसली टोटली फ्री है ये क्लास। हाँ, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन और किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं। जैसे आप अनअकैडमी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, उस अनअकैडमी पे पढ़ेंगे, थोड़ी अलग सी बात ये रहेगी कि अनअकैडमी पे आपको इतने इंटरेक्टिव फीचर्स मिलेंगे कि आपके लिए क्लास काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, और ये क्लास जितना कंफर्टेबल आपके लिए उतना ही कंफर्टेबल मेरे लिए भी है, तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी आपकी सीखने की, हमारे बताने की। तो अनअकैडमी के उस लर्निंग ऐप का अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए जल्द से जल्द। हाँ, एंड अगला सवाल इसे देखें, भारत और किस देश ने जल्द ही अंतरिक्ष सुरक्षा संवाद पे बात करना शुरू किया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान, या फिर ऑप्शन नंबर इंडिया एंड विल टू लॉन्च अ स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग, इसके साथ भारत अंतरिक्ष सुरक्षा पे बात करने वाला है। राइट आंसर शुड बी ऑब्वियसली फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ भारत अंतरिक्ष सुरक्षा पे बात करेगा, उसके साथ डायलॉग करेगा। ये वाली न्यूज मैं दोबारा कराऊंगा जब हमारी डायलॉग हो जाएगी उनसे, फ्रांस के जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैंग्रो, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में डायलॉग होनी, बातचीत होनी। अगला सवाल है, स्टीफन थेलर द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली डाटा डावॉस को पेटेंट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश चर्चा में था, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, चीन, जापान। सीधे तौर पे समझो कि उन्होंने एक रोबोट बनाया है और एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है डावोस। हाँ, डावोस एक प्रकार का रोबोट टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करता है, तो इसे पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। आज तक कहीं पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित किसी भी चीज को पेटेंट नहीं दिया गया है, तो ऐसा किसने किया है। गुलशन कह रहे हैं बी होगा, मैं चाहूंगा बाकी लोग भी कमेंट करो, और आपकी जो भी जानकारी कमेंट करो, क्योंकि 10-15 सेकेंड लगेंगे फिर आप सही जानकारी भी मिल जाएगी आपको। राइट आंसर इज ऑब्वियसली दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। इसने AI टेक्नोलॉजी बेस्ड डुबोस को, डावोस को इन्होंने पैटेंट दे दिया है। व्हाट इज मीन ऑफ पेमेंट, पेमेंट कह रहा हूँ, पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है, असल पेटेंट का मतलब ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने कॉपीराइट के बारे में समझते होंगे। कॉपीराइट मतलब अगर आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है, अगर आपने कुछ क्रिएट किया है, तो उस क्रिएशन का आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, और उस चीज़ की, उस यूनिक चीज़ का अगर कोई प्रयोग करता है तो उसको आपसे अनुमति लेनी चाहिए। तो उसी संदर्भ में होता है पेटेंट, किसी वस्तु का पेटेंट या किसी नई तकनीक का पेटेंट कराया जाता है, ताकि दुनिया के अन्य व्यक्ति, अन्य कंपनियां जब उसे कॉपी करना चाहेंगी तो वो आपसे इजाज़त लेंगी, और इजाज़त तो फ्री में नहीं मिलेगी ना, वो इकोनॉमिक डील होगी जिसमें आपको कुछ रॉयल्टी दी जाएगी, अगर आप अग्री करते हैं तो, डिसअग्री करते हैं तो कोई कंपनी उसे कॉपी नहीं कर सकती। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी गॉट इट ब्यूट्स ब्यूटी हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी पुस्तक को लिखा, प्रियंका पद पांडे ने, सुधा मूर्ति, रोहित, सोहिनी मित्रा, राकेश सिंह, या प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी से उत्तर करेंगे जूही एंड ऑल। स्टूडेंट हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी इस पुस्तक को किसने लिखा, इस पुस्तक को किसने लिखा है। ओके,
राइट आंसर शुड बी ऑब्वियसली डी इज करेक्ट आंसर। इस पुस्तक को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ये सुधा मूर्ति वही है जिन्हें आप जानते हो, इन्फोसिस की को फाउंडर ना, इन्फोसिस जो देश के लीडिंग आईटी कंपनी है, ये को फाउंडर है, सह संस्थापक है, इनके पति नारायण मूर्ति जो कि इसके फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं इन्फोसिस के, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और सुधा मूर्ति कौन है, तो स्प्रिंट ये सब कुछ है, ये ऑथर भी हैं, और इस साथ ही साथ ऑथर के अलावा और क्या है, ऑथर के अलावा एक इंजीनियर है अपने प्रोफेशन से, अपने उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित आवास समाधान को बढ़ावा देने के लिए IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IIFL हाँ, क्योंकि होम फाइनेंसिंग करते अगर घर खरीदना है तो आपको ये पैसा उपलब्ध करा देगी। SDM चंदन कह रहे हैं कि 1 जनवरी से अवेलेबल है क्या? चंदन एंड ऑल सभी लोग इस बात का विशेष ख्याल रखो, मैं इसी चैनल पे आपके लिए बहुत जल्द एक औसम सा सेशन लेकर के आने वाला हूँ। वो सेशन होगा अर्धवार्षिकी, और अर्धवार्षिकी में मैं क्या करूँगा कि पूरे जनवरी से लेकर के जुलाई तक के करंट अफेयर्स में एक साथ करा दूंगा। और आपको अगर करना है कि आपने जनवरी से, तो मैं तो आपको इतना लॉन्ग में नहीं जाने के लिए कहूँगा आपको। आप चाहे तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जा सकते हो, वहाँ पर मेरे प्रोफाइल पर जाइए। मैं 1 जनवरी से 1 जनवरी 2021 से पढ़ाना शुरू किया हूँ करंट अफेयर, आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, और अभी मैं बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा, बिल्कुल तैयार हो गए इसी अर्धवार्षिकी मैं लेकर के आ रहा हूँ। और मतलब पिछले बार का अनुभव मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, 21 करंट अफेयर्स के प्रश्न में से 17 सवाल अपने क्लास के थे, और विथ स्क्रीन शॉट अपने पास हैं वो। तो मैं तो पहली बार इस चैनल पे लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स की सेशन, और इससे पहले ये वाली क्लास मैं रेगुलर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे करा रहा हूँ। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्चर तो नहीं मिलेंगे, तीसरा या चौथा लेक्चर होगा मैं। बहुत अच्छा है, राइट आंसर इज ऑब्वियसली ADB के साथ IIFL ने ये समझौते किए हैं। हाँ, इसके साथ समझौता हुआ है, इसे समझने का प्रयास करो। ठीक है, और मैं दूसरा इंक में थोड़ा सा ले लूं। ओके स्टूडेंट, IIFL क्योंकि होम फाइनेंस करती है, प्लस ADB के साथ ये डील हुआ है। कितने की डील हुई है? $1 मिलियन का, $1 मिलियन का इनके साथ डील हुआ है। किस विषय पे डील हुई है? तो IIFL जो होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, ये ना ये हरित घर बनाएगी, हरित मतलब ग्रीन कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगी, हरित घर बनाएगी, हरित और अफोर्डेबल। हाँ, हरित और अफोर्डेबल को क्या बोलेंगे? किफायत, किफायत घरों का निर्माण करेगी। ये है पूरे के पूरे इसके मामले, और ये टोटल अमाउंट कितना है जी? $1 मिलियन का। सर कब से स्टार्ट कीजिएगा? मैं आपको एक दो दिन में, कल या परसों में इन्फॉर्म करूंगा आपको। अभी 15th के बाद, ऑब्वियसली 15th को हमारा एक बहुत बेहतर वाला सेशन आ रहा है इसी चैनल पे। मैं आपको देश की स्वतंत्रता में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए उस पे हम लोग एक मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ, बहुत पसंद करोगे आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद प्लान करते हैं। हाँ, और आज का ये आखिरी प्रश्न, इसे जल्दी से कीजिए, आज का ये आखिरी सवाल इसे जल्दी से। हाँ, प्रश्न है, किस राज्य ने पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिए? असम ने, सिक्किम ने, मणिपुर, नागालैंड, या फिर ऑप्शन नंबर। विच स्टेट हैज वॉन 7 नेशनल अवार्ड्स ऑन द फर्स्ट वन धन एनुअल अवार्ड 2021। इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार हुई, और उसने उस राज्य ने 7 पुरस्कार जीते हैं, वो कौन सी राज्य है? आसाम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड एंड कौन सा स्टेट हो? लर्निंग ऐप पे आप में से कौन कौन हो जो लर्निंग ऐप पे हो, स्पेशल करके विशेष करके मेरे वहाँ पे 4-4 क्लासेज हो रहे हैं, आप नहीं जानते इसलिए मुझे, आपको नहीं पता है कि मेरे क्लासेज के महत्व क्या है। अगर आप लर्निंग ऐप पे हैं तो मुझे नहीं लगता है किसी भी कीमत पे आपको मिस करना चाहिए सेशन।
ये वाली जो सेशन अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, 100+ स्टूडेंट मॉर्निंग वाली क्लास में होते हैं वहाँ पे। हाँ आपके कमेंट तो अब तक नहीं आए हैं। राइट आंसर इज ऑब्वियसली नागालैंड। नागालैंड को वन धन योजना के अंतर्गत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वन धन योजना क्या है इसे तुरंत समझने का प्रयास करो स्टूडेंट। वन धन योजना वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है, जिसमें ट्राइबल्स को, जनजातियों को वनों से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त हो ट्राइबल्स को, क्योंकि जनजाति जब शब्द का प्रयोग करते हैं, ट्राइबल शब्द का जब प्रयोग करते हैं, तो हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा है, इस कंसेप्ट पे आप सभी लोग परिचित होंगे कि ट्राइबल मतलब जंगलों से, नेचर से, प्रकृति से उनकी विशेष लगाव है। तो जंगलों से, प्रकृति से उन्हें अधिकतम लाभ कैसे पहुंचाया जा सकते हैं, उसके लिए वंदन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और एग्जाम में कई बार ये भी सवाल आया हुआ था कि वंदन योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी हिमाचल प्रदेश से। और इस प्रोग्राम को किसके अंतर्गत चलाया जाता है, तो वंदन योजना को ट्राइफेड के अंतर्गत चलाया जाता है, ट्राइफेड के अंतर्गत। हाँ, और पुरस्कार की घोषणा किसने किया है, तो पुरस्कार की घोषणा किया है जनजातीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई। 7 पुरस्कार, सर्वाधिक पुरस्कार किसे मिल गया है, तो नागालैंड को। आई होप कि इतनी जानकारी आपके लिए काफी है, और आज के सेशन को मैं इधर ही एंड करूंगा। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट वाले सेक्शन पे आप बड़े कमजोर पड़ रहे हो, और ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हैं। आप प्रयास करें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सेशन से, सुबह 9 AM में, हर दिन 9 AM में ये वाली मैं क्लास लेकर के आपके लिए आऊंगा। और हर दिन आप ये वाली क्लास मेरे साथ करते चलो, फिर करंट अफेयर्स में ऐसा डेवलपमेंट आपकी होनी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बहुत सारी चीजें एक साथ सीख जाएंगे। ये तो आज इतना ही, एंड थैंक्स फॉर बीइंग इन दिस सेशन स्टूडेंट। इस क्लास में आप सबके बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अनअकैडमी पे नए बैचेस से आप इनरोल हो सकते हैं, नए बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एक विजय बीपीएससी की बैच है, 11th August से लॉन्च होगी, और दूसरी है 12th August से अचीवर नाम की बैच। इन बैचेज में अपनी इनरोलमेंट आप करा करके आप अधिक से अधिक चीज़ों को एक साथ सीख सकते हैं। मिशन खाकी, अगर आप बिहार SI बिहार दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो MCQ सीरीज एक आ रहा है अनअकैडमी पे, 13 अगस्त से एक नई कोर्स स्टार्ट हो रही है। इसमें आप एक महीने में पूरी की पूरी सीरीज से, आप एक महीने में MCQ सीरीज के माध्यम से पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं सीमित समय। एंड अनअकैडमी पे कोई सा भी अगर कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं या फिर अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे, तो ये वाली कोड एज ए अनलॉक कोड वहाँ पे डालें, और कोर्स परचेज करते समय आप टोटल फी को 10% से रिड्यूस करने के लिए आप चाहो तो SKC10 इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी और को आप करा भी सकते हैं। 1 ईयर पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 ईयर्स पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। इस ऑफर का भी लाभ उठाइए अधिक से अधिक। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करना है, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। एंड थैंक्स फॉर बीइंग इन दिस सेशन। इस क्लास में आप सबके बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, और आप हर दिन 9 AM में कंटिन्यू रहें। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखें अपना।